हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा। निशा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं बनाने वाली हूं वेज सोया पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और सर्दियों में तो इसे, अगर आपका खाना बनाने का मूड ना हो तो इसे बहुत ही झटपट बनाने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम इसे देखते हैं क्या चाहिए हमें इसके लिए। इसके लिए हमें पहले ग्रीन मसाला पीसना है। इसमें हमें लेना है एक बंच धनिया और आधा बंच हमें लेना है पुदीने के पत्ते, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन लेना है, 4 से 5 हरी मिर्च लेनी है, 1 चम्मच जीरा लेना है और 3 से 4 काली मिर्च हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। साथ में मैंने लिया इंडिया गेट चावल 1 कप। इसमें हम वेजीज लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, सोयाबीन की बड़ियां हैं जिसे हमें अच्छे से भिगो के सोक करना है। 1 कटोरी मैंने हरी मटर ली है और थोड़ी सी मैंने बीन्स ली है। साथ में लिए मैंने टमाटर और तड़का देंगे हम साबुत मसालों का। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 3 से 4 मैंने काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची और 2-3 मैंने लौंग लिया और 1 टुकड़ा लिया है दालचीनी का। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका हरा मसाला जो है पीस लेना है। इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसे बनाने से और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो इसे हमें सबसे पहले इसे पीस लेना है। अब इसके हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, आपको जो भी तेल पसंद हो वो आप डाल लीजिएगा। और देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, जीरा हो गया, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, लंबी कटी हुई प्याज है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। आप इसमें और भी कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, जैसे गोभी हो गया और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अच्छे से भूनते हुए जाना है। और ये देखिए, हाफ डन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मटर और साथ में सारी वेजेस हम डालेंगे, गाजर, बीन्स, और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हल्का सा पकने के लिए हमें अपने स्वादानुसार हमें नमक डालना है, कम ज़्यादा आप जैसे भी आपको पसंद हो वो हिसाब से डालिएगा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें 2 से 3 हमें मिनट अच्छे से पका लेना है। और अब इसमें हम तुरंत ही ऐड करेंगे टमाटर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इसमें एक भी मसाला नहीं डाल रही हूँ, बेसिक मसाले। अब इसमें लिया है मैंने काजू, 7 से 8 मैंने काजू लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए, अब हम इसमें जो चटनी पीसी थी, मसाला जो था हरा वाला, वो हमें डाल लेना है और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट में अच्छे से इसे पका लेना है। अब इसमें हम डालेंगे सोया चंक्स जो हमने अच्छे से भिगो के सोक कर लिया था, वो इसी स्टेज पे हमें डालना है और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी जगह आप पनीर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ये हेल्दी रेसिपी अच्छे से बन जाती है। और ये देखिए, हमारा मसाला अब हम ढक के पकाएंगे इसे। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अच्छे से हमें चावल को ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, अब पानी हमें अपने हिसाब से डालिएगा ताकि हमारे चावल जो है ज़्यादा गीले ना हो अपने और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है गरम मसाला। इसके अलावा मैंने कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए, धनिया, मिर्ची पाउडर मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप ऐसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और 1 सीटी हमें इसमें लानी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लानी, नहीं तो चावल गल जाएंगे। और ये देखिए, हमारा चावल बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक हम इसके साथ खाने के लिए रायता रेडी करते हैं। इसके लिए लिया मैंने दही और साथ में अब इस रायते में डालूंगी मैं प्याज कटे हुए, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटे हुए खीरा लिए मैंने। इससे ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता है इसे खाने में। अब थोड़ी सी हम धनिया डालेंगे, रायते का जो टेस्ट है और अच्छा आता है।
अपने स्वादानुसार इसमें हमें नमक डाल लेना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा काला नमक लेंगे हम और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, इससे टेस्ट आता है। आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब धनिया डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रायता ऐसे ही बनाइएगा, पतला मत करिएगा। इस तरीके से रायता बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारा रायता बनके तैयार है। तो चलिए हम अपना कुकर खोल के देखते हैं और ये देखिए बहुत ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें और देखिए चावल कितने अच्छे से खिले हुए हैं। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। और ये देखिए हरा भरा वेज पुलाव हमारा बनके तैयार है और रायते के साथ इसे सर्व करिए। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है कम मसालों के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट खाते रहिए। टिल देन बाय बाय।